गाइज, अगर आप एक हेवी गेमर यूजर है एंड मोबाइल पे ज्यादातर ही गेम प्ले करते हैं, बट चाहते हैं कि एक कंप्यूटर की तरह या फिर पीसी की तरह एक्सपीरियंस मिल रहा है, लाइक आप बीजीएमआई एक्सेट्रा जैसे कि गेम अगर फायर फ्री फायर एक्सेट्रा खेलते हैं, देन उसके लिए जो है आपके लिए मैं बेस्ट प्रोडक्ट लेके आया हूँ। जी हाँ, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वन हैंड कीबोर्ड के बारे में, जो कि बेसिकली इनबिल्ट की गई है फॉर गेमिंग के लिए। कंट्रोलिंग पैनल सारे एंड यहाँ पे जो है आप हैंड रखने के लिए काफी अच्छे खासे यहाँ पे पैड्स मिल जा रहे हैं, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आरजीबी की इंडिकेशन आपको लाइट मिलने और दिखने को मिल जा रही है। एंड ऑल ओवर जो इस मटेरियल की क्वालिटी की बात करूँ तो काफी अच्छी है, जो कि आज अभी इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ इसमें मैं गेम प्ले भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप मोबाइल में इसके थ्रू गेम भी प्ले कर सकते हैं। सो गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप से टेक अनबॉक्सिंग ट्यूटोरियल के वीडियोस देखने के लिए। एंड साथ ही साथ हमारे गिव अवे, जो कि मैं अनबॉक्सिंग सक्सेस करता हूँ उसमें पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड ऑनलाइन शॉपिंग्स के लिए काफी अच्छा खासा डील्स है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक में थ्रू पता चलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए वहां से उसको चेकआउट कीजिए। ये रही 198i वन हैंड गेमिंग कीबोर्ड, जो कि बेसिकली जो है आपको गेमिंग्स के लिए प्रोवाइड की गई है। कुछ यहाँ पे मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ जो कि आपको ओवर द बॉक्स मिल जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्विच लाइफ जो है 10 मिलियंस है, ऑपरेटिंग करंट जो है अंडर 200 mAh की है, वोल्टेज 5 वोल्टेज की है, केबल की लेंथ 1.5 मीटर है, एंड यहाँ पे ऑल ओवर जी इसको वेट है 360 ग्राम, इंटरफेस जो है USB सिस्टम है, डायमेंशन एक्सेट्रा, एंड जो सपोर्टिंग है वो आपके विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड iOS सबके साथ जो है कॉम्पेटेबल है। इसको कनेक्टिविटी के लिए सारे मैं प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। रेस्ट ऑफ द और कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स नहीं मिल रही है, G7 सीरीज है, एंड यहाँ पे सारे इसके स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर दिया। तो देखिए गाइज, इसके जो भी परचेसिंग लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इवन जो इसके प्राइस सारे जो है मैं वो मेंशंस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी एक अच्छे खासे जो है क्वालिटी डिज़ाइन के साथ आ रही है, जो कि एक RGB की इंडिकेशंस है। सबसे पहले मैं इसके क्वालिटी की बात करूँ तो देखिए क्वालिटी जो है इनबिल्ट काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पे फाइबर मेटेलिक यूज़ किया गया है फ्रेम जो है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है दो यहाँ पे आपको रबर ग्रिप्स नीचे एंड दो ऊपर में मिल जा रही है, जैसे कि लाइक अगर आप कहीं भी इसको इस तरह से प्लेस करते हैं देन ये आपका यहाँ पे स्लिप ना हो उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा है। एंड होल्डिंग के लिए जो है आप देख सकते हैं ऑल ओवर जब पंच मैं यहाँ पे इस तरह से रखता हूँ हैंड को तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो एक स्पैंड मिल जाती है प्लेस, एंड यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है आप इजीली कर सकते हैं, कंट्रोलिंग जो है काफ़ी इजी है। वायर की जो क्वालिटी की मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छी है, पंचिंग एक्सेट्रा आप देख सकते हैं USB में काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पे पंचिंग किया गया है, जो भी क्वालिटी है सब A1 की है, इसमें नो डाउट कोई भी जो है उस तरह का प्रॉब्लम जो है यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक, सो काफ़ी अच्छा खासा है। तो अब मैं इसे जो है कनेक्ट करता हूँ, दिखाने वाला हूँ अपने फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी करके। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इसके कनेक्टिविटी के लिए एक OTG केबल्स जो है आपको लगेगा, तो जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं कनेक्ट कर लूँ तो कोई भी आप डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल एक एंड्रॉयड डिवाइस के साथ ही कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने के साथ ही साथ यहाँ पे जो है लाइट जो आप देख सकते हैं RGB की लाइटिंग जो है काफ़ी जो है यहाँ पे डिसेंट लग रही है, एक गजब की गेमिंग लुक्स प्रोवाइड कर रही है। साथ में इस तरह के जो डिजाइनिंग एक्सेट्रा जो है कमाल की एक गेमिंग लुक्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि मुझे तो काफ़ी बेटर लग रहा है। आपको कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो तो वो मुझे कीजिएगा। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं एक पतले वेजल्स के साथ जो है RGB की लाइटिंग इंडिकेशंस दी गई हैं, एंड अंडर द आपके कीबोर्ड के पीछे जो है अलग से एक लाइटिंग जो दिखने को मिल रही है काफी यहां पर डिसेंट लग रही है। सो गाइस, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं गेम प्लेइंग हो रही है, सो ये गेम मोबाइल में तो प्ले हो रही है बट इसको कंट्रोल किया जा रहा है वन हैंड RGB की एक यहां पे आप देख सकते हैं कीपैड है, जो कि आपको सिंगल वन हैंड यूजिंग के लिए मिलता है, जहां से आप गेमिंग्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। जस्ट एक OTG कनेक्टर के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है, एंड यहाँ पे जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोलिंग यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है RGB की लाइटिंग इंडिकेशन से गेमिंग लुक्स के प्रोवाइड करने के लिए। हैंड को प्लेस करने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा पैड मिल जाता है, जो कि कंट्रोलिंग एंड इसके ग्रिपिंग्स के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड इसमें जो काफ़ी कम्फर्ट होता है, लाइक आप अगर BGMI या फिर जो है फ्री फायर इस तरह की कोई गेम एक्सेट्रा खेलते हैं उसके लिए काफ़ी ये बेस्ट है। गाइज, आज होप ये आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, एंड इसकी मैं जल्दी गिव अवे अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आफ्टर द यूज़, इसके जो कम्प्लीटली मैं देख लूँ कैसा है, क्या आपका प्रॉब्लम है, नहीं होती है प्रॉब्लम देन इसका मैं गिव अवे अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।